हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये नए डिजाइन की तोरण लेकर के आई हूँ। इसे बनाना है बहुत आसान। सो प्लीज, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए नए नए वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। तो आज हम आपके लिए ये नए डिजाइन की तोरण लेकर के आए हैं और ये वीडियो पूरी देखिए। तो पूरी देखने के बाद में ये वीडियो जल्दी समझ में आ जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सबसे पहले हमने ये फ्रेम पर फूल बना लिया है। ये फूल मैंने फ्रेम वाले फूल अपने पिछले वीडियो में बनाकर बताए हुए हैं। तो ये फूल मैंने बना लिया है। अब मैं इसे ये चारों पांचों फंदों को लेकर और इस तरह से डबल क्रोशिया करके यहाँ पर एक डिजाइन डाल लेना है। और ये एक होल में से कम डबल क्रोशिया करके कम से कम 6 या 7 बार निकाल लेना है और इसका एक बहुत ही अच्छा डिजाइन बन जाएगा। और इसे बनाना बहुत आसान है। इस तरह से हमने ये 6 बार डबल क्रोशिया करके इस तरह से निकाल लिया है। और दूसरे को भी इसी तरह से 5-6 बार डबल क्रोशिया करके ये देखिए इसी तरह से ये देखिए मैं 2 डिजाइन बना दिए हैं। अब ये पूरे राउंड पर ये पहला राउंड इसी तरह से हम बना लेते हैं जो हमने ये 2 बनाकर बताए हुए हैं इसी तरह से। और ये बनाना है बहुत आसान। ये देखिए हमने ये डिजाइन को बना लिया है और अब इन्हें एक साथ हम इसको और इसको दोनों को इस तरह से एक साथ निकाल कर डबल क्रोशिया करके इसी तरह से जॉइंट कर देते हैं। हम इन्हें इसलिए एक जगह साथ में जॉइंट कर रहे हैं कि ये फूल जो है इसका ये फूल का लुक अच्छा आ जाएगा ये इस तरह से बनने आने के बाद में। इस तरह से और ये अब इसे और इसे इन दोनों को एक साथ ये देखिए ये देखिए हमारा ये फूल बन करके बन गया है। और यहाँ पर ये हम एक टाइट से गांठ लगा देंगे ताकि ये खुले नहीं। और इसे यहाँ पर कट कर देंगे। और ये देखिए कितना सुंदर फूल बना है हमारा। अब हमने ये दूसरे कलर की ऊन ली है। अब इसे एक होल में से निकाल कर इस तरह से और अब ये हम 5 की चेन बना लेंगे। और यहाँ पर ये वाले होल में जॉइंट कर देंगे और ये एक होल में से 2 बार निकाल लेना है डबल क्रोशिया करके। अब फिर उसी तरह से हम 5 की चेन बनाएंगे। और फिर उसी तरह से हम अगले वाले होल में जॉइंट कर देंगे।
और इसे भी दो बार एक होल में से डबल क्रोशिया करके निकाल लेना है। और ये इसी तरह से हम फूल के चारों ओर लगा लेते हैं पांच की चेन बनाकर। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से। और ये तीन खानों को छोड़ छेक देना है। और फिर इसी तरह से डबल वापस कर लेना है। और ये हमने पहले पांच की चेन बनाई थी, अब के हम सात की चेन बनाकर इसी तरह से ज्वाइंट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से। और ये पूरे पर पूरे राउंड पर इसी तरह से सात की चेन बनाकर पहले जैसे जैसे पहले हमने ज्वाइंट किया था उसी तरह से ज्वाइंट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से। और हर होल में इसी तरह से इसे ज्वाइंट कर लेंगे। ये दूसरे राउंड को ये देखिए। और बाकी एस्ट्रे को हम काट देते हैं। ये हमने दो राउंड बना दिए हैं इसके ऊपर, एक पांच की चेन बनाकर एक सात की चेन बनाकर। और फिर हमने ये दूसरे कलर की ऊन ली है। और उसी तरह से जो हमने चेन बनाई है इनके यहाँ पर बीचों बीच हम फिर एक डिजाइन और डाल देंगे, ठीक उसी तरह से जो हमने पहले डाला हुआ है व्हाइट कलर की ऊन से। डबल क्रोशिया करके बीचों बीच एक होल में से पांच छह बार देखिए इस तरह से। और ये पूरे पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से। और फिर अगले को भी इसी तरह से। और ये पूरे राउंड को इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा ये फूल बन करके तैयार हो गया है। और ये इसी तरह के हमने पांच फूल बनाए हैं, तीन। और ये एस्ट्रे एस्ट्रे को कट करते रहना है। देखो ये पांच फूल बना लिए हैं। और अब हम ये पट्टी लेंगे। ये पट्टी हमने अपने पिछले वीडियो में बनाकर बताई हुई है, इसे बनाना है तो हमारी पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। और ये दूसरे कलर की ऊन लेंगे हम। और इसके किनारे किनारे पर चारों ओर एक लेस लगा लेंगे। ये पट्टी के चारों किनारे पर लगा लेना है एक होल को छेक कर। ये देखिए फिर अगले होल में। देखिए और ये डबल क्रोशिया करके इसी तरह से निकालते रहना है। देखिए चारों ओर।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये पट्टी को कंप्लीट कर लिया है। और अब ये कंप्लीट करने के बाद में हम इसे पर ये फुल जॉइंट करने बताएंगे। सबसे पहले हमने ये एक फुल को लिया है और ये कॉर्नर से कम 2 उंगल छेक कर ये फूल को रखा है। आप चाहे इसे पट्टी को 5 बार फोल्ड करके भी और निशान लगा कर भी ज्वाइंट कर सकते हैं इन फूलों को, लेकिन हम ऐसे ही ज्वाइंट कर लेंगे इस तरह से। और हम इसे क्रोसिया से ज्वाइंट कर रहे हैं। आप इसे सुई से भी सिल सकते हो। देखिए इस तरह से फिर अगले फंदे में से निकाल लेना है और फिर इसे पूरे धागों को छोड़ देना है। फिर अगले में देखिए, और ये फिर अगले में इस तरह से ही हम ये फूल को ज्वाइंट कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, ये तोरण बनाने में बहुत आसान है, आप इसे बहुत आसानी से बना सकते हो। और ये हमारा फूल ये इस तरह से फूल को ज्वाइंट कर लिया है। ये देखिए, और ये पूरे फूलों को हम इसी तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। और एक यहाँ पर थोड़ी दूरी छेक कर और एक यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूरी छेक कर इसी तरह से हम पूरे फूलों को ज्वाइंट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये पूरे फूलों को ज्वाइंट कर लिया है पट्टी पर। अब हम इस पर ये फुंदने लगाकर बताएंगे। ये हमने 4 उंगलियों पर लपेट कर, आप चाहे कोई कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं तो ये एक साथ अच्छे ढेर सारे फूल बन जाएंगे ये फुंदने। और ये इस बार होल में कर निकाल कर और इसे बराबर करके पूरे धागों को यहाँ पर एक गांठ बांध देंगे। गांठ थोड़ी अच्छी बांधनी है, टाइट, ताकि फूल खुले नहीं इस तरह से। और ये बराबर कट कर दिया है। अब इसी तरह से हम पूरी फूलों पर ये इस तरह के फूल लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये पूरे फूलों को इस तरह से लगा दिया है। ये देखिए, और अब हम ये एक फूल ये एक यहाँ पर लगा देंगे, इनके जो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा जगह बची हुई है यहाँ पर। ये देखिए, ये एक फुंदना हमने यहाँ पर लगा दिया है। और अब एक यहाँ पर, और ये हमारी तोरण बनकर के तैयार हो गई है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय।